Hello guys, so today we will discuss about some problems which have been asked in previous year question papers of CSIR NET. So हमने कुछ थ्योरी पढ़ी है जैसे कि वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस, बेसिस, डायमेंशन. सो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग देखिए. आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए. उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं कि आप लोग कितना सही से उस जो थ्योरी हमने पढ़ी उसको अप्लाई कर पाए हैं और कहाँ पे मिस्टेक आपकी हो रही है. ठीक है. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ. ओके. सो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द वेक्टर स्पेसेस. इसमें आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यू और पूछ रहा है कि ये जो है आपके सब स्पेस फॉर्म करेंगे या नहीं. ठीक है. तो आपको सेट दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. दूसरा दे रखा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो. थर्ड आपको दे रखा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन. एंड फोर्थ आपको दे रखा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन. और अब आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो है आपका इसमें से कौन कौन सा जो सेट है वो आपका सब स्पेस बन रहा है ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब. ठीक है. सो हमने कल जब हम सब स्पेसेस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या एक ट्रिक जो पढ़ी थी कि सबसे पहले सब स्पेस चेक करने के लिए आप लोग चेक कीजिए कि जीरो उस सब सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं. उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. ठीक है. अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें आपका जीरो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि जीरो प्लस जीरो कभी भी वन नहीं होगा और जीरो माइनस जीरो कभी भी आपका वन नहीं होगा. तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. इसलिए थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका सबस्पेस नहीं हो सकता. इसलिए ये वाले ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए. अब आपको सिर्फ वन और टू में छांटना है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कि जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो यहाँ से जीरो तो आपका बिलोंग कर ही जाएगा. ऑप्शन नंबर वन की बात करते हैं हम लोग. सो ऑप्शन नंबर वन में जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो. सो जीरो आपका इसको सपोज कीजिए मैंने एस वन नाम दे दिया तो जीरो जो है आपका एस वन से बिलोंग कर गया. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या ट्राई करना है. हमने पढ़ा था अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए आपका एस वन में जहाँ पे आपका अल्फा और बीटा बिलोंग करेगा फील्ड से. और यहाँ पे फील्ड आई थिंक आर ही है और एक्स और वाई आपके बिलोंग करेंगे आर क्यूब से. ठीक है. तो आर क्यूब से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं एक्स को एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री ले सकती हूँ और वाई को क्या ले सकती हूँ वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई थ्री क्योंकि आर क्यूब से बिलोंग कर रहा है तो थ्री टपल होगा आपका. ठीक है. अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई. सो आपका ये हो जाएगा अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री. ओके. सो अब आपको एस वन में बिलोंग करने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका जीरो होना चाहिए. ठीक है.
सो हम चेक करते हैं, इसमें x प्लस वाई मतलब फर्स्ट जो टू टपल्स हैं इनका जो सम क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। सो ट्राई करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन प्लस अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा एक्स वन अल्फा एक्स टू, तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया तो ये आपका बच गया एक्स वन प्लस एक्स टू। ऐसे ही सेकेंड वाले में आपने बीटा ले लिया तो बच गया वाई वन प्लस वाई टू। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू थ्री, और यहाँ पे जो एक्स और वाई आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एस वन से, क्योंकि हम एस वन को सबस्पेस प्रूफ कर रहे हैं। सॉरी ये मिस्टेक, आर क्यूब से नहीं, यहाँ पे एस वन से बिलोंग करेगा, ठीक है ओके। ये आपका एस वन से बिलोंग कर गया, तो एस वन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इसके दो फर्स्ट वाले दो टर्म्स मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो होगा, और y वाले के फर्स्ट टू टर्म y1 वन प्लस वाई टू जीरो होगा, ठीक है। सो उस वाली कंडीशन से ये चीज जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये ऑल ओवर आपका जीरो हो गया। तो ये वाली इससे आपका क्या इम्प्लाई हो गया कि अल्फा x प्लस बीटा वाई जो है आपका s1 से बिलोंग कर गया। सो आपका s1 जो है क्या बन गया, आपका सबस्पेस ऑफ v, ठीक है। सिमिलरली आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं जो ऑप्शन नंबर टू है, ये भी आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन के आंसर कौन कौन ट्रू हो गए, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू। सो आप लोग चेक करिए कि आप में से किसने इसका आंसर करेक्ट दिया है, किसका कहाँ मिस्टेक हुई है, और उस मिस्टेक को आपको मतलब अच्छे से सही करना है ताकि दोबारा किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं पेपर में ये मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मिस्टेक्स जितनी मर्जी कीजिए बट पेपर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस पर वर्कआउट कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक जून 2015 में ही एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ऑल राइट, सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लेट पी एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसने एक पी एन एक्स डिफाइन किया है एक्स टू द पावर एन से फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक सेट ले लिया है, वो सेट क्या है, स्पैन ऑफ पी नोट पी वन पी टू। सो यहाँ पे ये जो पी वन पी जीरो पी वन पी टू क्या हो जाएगा, एन की जगह जीरो पुट करेंगे तो पी जीरो आपका एक्स टू द पावर जीरो मीन्स वन हो गया, एक्स टू द पावर वन एक्स स्क्वायर, इसका स्पैन आपने इसको कैपिटल पी या कुछ भी नाम जो भी दिया है, ठीक है, ऐसा डिफाइन कर दिया। अब ये क्या ऑप्शन में पूछ रहा है आपसे, पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस। जो ये आपका आपने जो ये स्पैन डिफाइन किया है, ये कह रहा है कि जो वेक्टर स्पेस बनाएगा सारे रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस का। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन का सब स्पेस बनाएगा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि ये जो सेट है जिसका आपने स्पैन लिया है, ये आपका एल आई होगा। और फोर्थ कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके इस सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेट बन क्या रहा है, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है आपका, Pn डिफाइन कर रखा है Pn x इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है। तो यहां से अगर हम n की वैल्यूज रखते जाएंगे तो ये x टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, पी वन एक्स आपका x हो जाएगा, पी टू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने ये जो एक कैपिटल पी जो डिफाइन किया, वो क्या किया, स्पैन ऑफ पी जीरो पी वन पी टू, इस टाइप से इसका स्पैन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ आप इनकी वैल्यूज रख के देखिए, वन एक्स
एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, अब हमें यहां से पता चल गया कि आपका ये जो पी सेट था ये किसका स्पेन हो रहा है। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी जस्ट वन मिनट। ओके, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन कह रहा था कि पी जो है वो वेक्टर स्पेस है और रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस। रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस जो हैं आपके, जैसे एफ एक्स अगर मैं लूं साइन एक्स, ये भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनफैक्ट रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट क्या आपका जो एफ एक्स, ये जो साइन एक्स है, ये आपका बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल पी से? नहीं। क्यों? क्योंकि आप साइन एक्स को नहीं लिख सकते हो इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन एक्स एक्स स्क्वायर, बिकॉज आपका ये जो बनेगा, सॉरी ए नोट, ये जो आपका इसका स्पेन बनेगा, ये आपका ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू, इस टाइप से बनेगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल बनेगा, बट साइन एक्स आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। सो साइन एक्स तो इससे नहीं बिलोंग किया ना, तो आपके पास एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर गया जो पी में नहीं बिलोंग कर रहा है। सो दिस कैन नॉट बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस, क्योंकि आपके पास ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, तो इस सेट में ही नहीं बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके वेक्टर स्पेस की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले सारे रियल वैल्यूड जो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं वो इस पी से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, वेक्टर स्पेस तो चेक ही नहीं करेंगे। सो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साइन एक्स आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये आपका इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग टू दिस, बट आपका हमने साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लिया है, तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, एक बार देखते हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया। अब सेकंड में कह रहा है कि ये सबस्पेस है रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन का, और थर्ड में पूछ रहा है कि ये एल आई होगा। ओके, इनको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सबस्पेस प्रूफ करने के लिए ये सेट होना चाहिए और रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन का, तो मैंने सपोज कीजिए सी नाम दे दिया है सारे जो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन को, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ओके, और जो ये है आपका, ये आपका क्या है, ए नोट प्लस ए वन एक्स अप टू ए एन एक्स एन, इस टाइप से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका पॉलिनोमियल बन रहा है, पॉलिनोमियल आपका रियल कंटिन्यूस होता है, और यहाँ पे ये जो आपके एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सो ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इसका मतलब ये जो कैपिटल पी है ये सबसेट हो गया सी का। अब हम आगे बात कर सकते हैं कि ये सबस्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो जीरो तो आपका बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि आप जीरो को जीरो प्लस जीरो टाइम्स एक्स इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, सो जीरो बिलोंग कर गया। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर रहा है कि नहीं, जहाँ पे आपका अल्फा बीटा कहाँ से आ गए, रियल नंबर से, और एक्स और वाई जो आपके बिलोंग कर गए कैपिटल पी से। और आप ये चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी जो है आपकी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये है कैपिटल पी जो है वो आपका इस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस का सब स्पेस फॉर्म कर देगा यहाँ से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर टू जो है वो ट्रू हो जाएगा। ऑलराइट, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड भी चेक कर लेते हैं। ये पूछ रहा था कि ये जो आपने सेट लिया है कैपिटल, जो हमने पी लिया है, मीन्स
पी नोट पी वन पी एम, ये जो है ये आपका एल आई होगा कि नहीं होगा। और इसको हम बोल रहे थे कि ये जो है स्पैन ऑफ, हमने चेक किया था कि क्या हो रहा था, वन एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इसी टाइप से हो रहा था। तो इसको एल आई चेक करने के लिए क्या करेंगे, कल हमने बात की थी एल आई और एल डी के बारे में, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। ठीक है, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया ए नो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू, इस टाइप से ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को मुझे जीरो करके देख, जीरो करना है, उसके बाद मुझे चेक करना है कि जीरो करने के बाद आपके जो ए नोट ए वन ए टू ए एन इनकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये इनफाइनाइटली चल रहा है, तो हम एक बार फाइनाइट पे लेके देखते हैं कि फाइनाइट अगर मैंने एन पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या आएगा। ठीक है, ओके, सो मैं इसको ए एन तक ही लेके देखती हूँ एक बार। इसको मैंने जीरो किया, और आप ये चेक कर सकते हो कि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपका ए नॉट इक्वल टू ए वन इक्वल टू ए एन जो है वो आपका जीरो होगा। आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो पी नोट पी वन पी एन, ये जो सेट है आपका, ये आपका क्या हो गया, एल आई हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कैपिटल पी था वो आपका एक सेट था। ठीक है, और हमने इसका एक फाइनाइट सेट ले लिया जो आपका एल आई हो रहा है, तो ये जो पी है ये भी आपका एल आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो गया, थर्ड भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो हमने साइन एक्स लेके एक ही चीज से दोनों डिस्कार्ड कर दिए थे, और सेकंड और थर्ड में हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे जो एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं वो ये करना है कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपके ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका ऑप्शन वन और फोर डिस्कार्ड हो गया, तो अब आपके पास सिर्फ जो चेक करने के लिए वो टू और थ्री ही रह जाएंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है और अगर आपको तुक्का भी मारना है तो थोड़ा चांस हो जाएगा कि आप थोड़ा सही की तरफ तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वन और फोर डिस्कार्ड नहीं की तो आपका ये भी चांस है कि वन और फोर्थ भी तुक्का मार सकते हैं, है ना। और दूसरा, डिस्कार्ड होने से आपका कन्फ्यूजन भी कम हो जाएगा। ठीक है कि फर्स्ट और फोर्थ को तो हमें नहीं चेक करना है, अब जो बच गया वो टू और थर्ड को ही चेक करना है। इसलिए डिस्कार्ड जरूर करना सीखिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपके पास काउंटर एग्जाम्पल से आप इसको डिस्कार्ड कर सको। और एक जो बात और ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर कोई आपने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और वो कोई भी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दे रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लेके उसको सिर्फ डिस्कार्ड कर सकते हो, बट अगर एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे कोई ऑप्शन ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्शन हर एक जो भी जिस भी चीज़ की आप बात करें उसके लिए ट्रू होगा। इसलिए इस चीज़ में बी केयरफुल, ओनली एग्जाम्पल्स आप डिस्कार्ड करिए, और बाकी अगर कोई इन जनरल ट्रू हो रहा है तो उसके आपको मतलब होना चाहिए कि ये चीज़ आपकी प्रूफ हो रही है या फिर ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल। ठीक है, ओके, ये आपके दो क्वेश्चंस 2015 में पूछे गए, ये डायरेक्ट ही, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट कंसेप्ट लगाना था जो हमने थ्योरी पढ़ी है प्रीवियस वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक जून 16 में पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो हम, आपने ट्राई किया होगा खुद से, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं आपने कितना ठीक किया है कितना गलत। तो इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, सॉरी, ओके, सो आपका क्वेश्चन जो है वो है कि आपका जो x इक्वल टू है x1 कोमा x2 कोमा x3 है, जो आपका
और वाई वन वाई वन वाई टू वाई थ्री, मीन्स इसने एक्स और वाई दो आर क्यूब से एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। और ये हैं एल आई हैं आपके, जो एक्स और वाई है ये आपकी एल आई है, ओके। देन इसने एक डेल वन डेल्टा वन डिफाइन किया है, कैसे, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री, ऐसे ही एक डेल्टा टू डिफाइन कर दिया है, एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री, और एक डेल थ्री डिफाइन कर दिया है, एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ वी इज स्पैन ऑफ एक्स कोमा वाई, देन इसने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। अब आपको इतना सारा जानकारी दे रखा है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे इसमें अप्रोच करेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे हमें सही अप्रोच लेना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है और क्विकली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए, हर क्वेश्चन में एक ना एक की पॉइंट दिया होता है, तो बस आपको जरूरत होती है उसको पहचानने की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या की पॉइंट दे रखा है, इसने दो एलिमेंट दे दिए हैं आर क्यूब से, एक्स वन सॉरी एक्स और वाई, और डेल वन डेल टू डेल थ्री ये डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी इज स्पैन ऑफ एक्स कोमा वाई, दिस इज की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी इज स्पैन ऑफ एक्स कोमा वाई, इसका मतलब है वी को आप एक्स और वाई के स्पैन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका एक्स कोमा वाई, और आपका जो ऑप्शन, देखिए एक बार ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन में आपको वी इक्वल टू पूछ रहा है, यू वी डब्ल्यू, हर ऑप्शन में आपको वी का एक फॉर्मेट दे रखा है कि अगर वी जो है एक्स वाई का स्पेन है, तो वी मतलब इसने एक सेट ले लिया है यू वी डब्ल्यू, मतलब एक एलिमेंट सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले में की कंडीशन दे रखी है, सेकंड में दूसरी कंडीशन दे रखी है, थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ, ऐसे सारों में आपको कंडीशन दे रखी है। तो वी आपका ऑलरेडी स्पेन था एक्स और वाई का, ठीक है। और ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि जो वी है उसने किस टाइप के कलेक्शन ले रखे हैं, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए, स्पैन है एक्स वाई का, इसका मतलब अगर वी से आप कोई भी एलिमेंट लेते हो, सपोज कीजिए मैंने ले लिया कोई जेड ले लिया वी से, तो जेड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोई ए वन एक्स प्लस बी टू वाई, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई का ये वी जो है वो स्पैन है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट ले लूँ, सपोज कीजिए एक्स ले लिया, उसमें क्या ले लिया, एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि देखिए हमने कल लिनियरली डिपेंडेंट पे बात कर रहे थे, तब हमने बोला था कि इसको आप इस टाइप से पहचान सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज किसी ना किसी की एक दूसरे पे डिपेंड करेगी। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई, इसकी वैल्यूज पे जेड की वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई तो आपके एल आई हो सकते हैं, बट अगर इसके साथ में अगर हमने जेड ले लिया, और जेड आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि आप जेड को ए वन एक्स प्लस बी टू वाई लिख पा रहे हैं, जहाँ पे अगर आप इसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो ए वन और जो बी टू है वो आपके नॉन जीरो आ जाएंगे, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेरा जो इस चीज को हाईलाइट करने का जो मोटिव था वो यही था कि ये आपका की पॉइंट है, और यहीं से आपको विद इन टू लाइन्स आपका आंसर आ जाएगा, ये स्पेन है, और अगर मैं वी से कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ अदर देन एक्स कोमा वाई, तो वो आपका उस सेट जो एक्स वाई और उसके साथ में जो तीसरा एलिमेंट ले रही हूँ उसका सेट लूंगी, तो आपका एल डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम अपने आंसर पे आते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब इसने जो क्या ले रखा था, वी जो है वो हर ऑप्शन में आपको यू कोमा वी डब्ल्यू
इस टाइप के जो एलिमेंट्स है उनका सेट ले रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेट लू एक्स वाई और उसके साथ में यू वी डब्ल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। और आपका एक्स आपका डिफाइन कर रखा है एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री, वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई थ्री, और थर्ड आपका हो गया यू वी डब्ल्यू, ठीक है। ओके, अब देखिए लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने का एक तरीका और होता है। आपको इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट पता चल गया, और तो इसके अगर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका अगर आप रो बना के एक मैट्रिक्स फॉर्म करें, जैसे कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मीन्स जो एलिमेंट्स हैं उनको आप रो में लिख दीजिए, वाई वन वाई टू वाई थ्री, यू वन सॉरी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। इसको हमने एक मैट्रिक्स बना दिया, सॉरी इसको एक मैट्रिक्स बना दिया। अब इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, ठीक है। ये डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो ये जो सेट है ये आपका एलडी हो जाएगा, और अगर नॉन जीरो है तो आपका एलआई हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफी बार आपके जैसे क्वेश्चंस में पूछ देता है कि ये सेट आपका एलआई एलडी है, तो वहां पे आप डायरेक्टली अगर जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ना लिख के इनको जो भी आपको वेक्टर्स दे रखे हैं इनको आप रो, एक वेक्टर को एक रो सेकंड वेक्टर को सेकंड रो, इस टाइप से एक मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, उसका डिटरमिनेंट देख लीजिए। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो ये सारे वेक्टर्स आपके एलडी हो जाएंगे, और नॉन जीरो आता है तो एलआई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो सेट है वो एलडी है, एलडी है इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, आपका जीरो होगा। अब यहाँ से आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए इसका, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद में आप आराम से चेक कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस में आपको चार कंडीशंस दी हुई है इसमें से ही कोई ना कोई एक कंडीशन आपकी आ जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप किसी भी रो के अलोंग आप इसको चेक कर सकते हो, डिटरमिनेंट जीरो इक्वल टू जीरो पुट करके, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दे देती हूँ, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको आप ट्राई कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।